मिलियन सब्सक्राइब कंप्लीट होगा और उसमें जो लास्ट सब्सक्राइबर होगा उसको हम देंगे iPhone 14 Plus। Hey guys, welcome back to my YouTube channel। दिन के 11 बज रहे हैं, मैं जिम जा रहा हूँ, संडे है आज, सारी क्वालिटी जिम में है। तो आज कहीं ना कहीं बाहर जाएंगे हम, आपको दिखाऊंगा पक्का, क्योंकि वीकेंड खत्म होने वाला है, फिर कल से वर्क वर्क वर्क। Hey guys, welcome back to his channel। New vlog guys, और हम 2-3 वीक के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम बाहर निकलने का सोच रहे हैं, बहुत सोचने के बाद, और हम रेडी भी हो चुके हैं। मैं भी रेडी हो चुका हूँ। नहीं, मैं फुल्ली रेडी नहीं हूँ, मैं थोड़ा ब्लश। अरे मैं कैब आमिन बुक कर दिया है। मगाया इसको गाइस। तो कैब ड्राइवर की कॉल आ चुकी है, पूछ रहा था कहाँ पहुंच रहे हो। आज ब्यूटीफुल इवनिंग लग रही है गाइस, अगर आप देखो बाहर तो, लेकिन ह्यूमिड है बाहर। तो मेरी शर्ट आपको कैसे लगी? वैसे मैंने नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ है, आपको पता चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा तो मैंने सोचा आपको दिखाई दूं, और कंफर्टेबल होके बिल्कुल जा रहा हूं, नीचे स्लीपर ही पहन के जाने वाला हूं। मॉल के अंदर ही तो वॉक करना है, आपको मॉल के अराउंड चीजें दिखाता हूं क्या क्या है। और बाहर अगर आप देखो तो थोड़ी ह्यूमिड है, लेकिन फिर भी हो थोड़ी अच्छी खासी ह्यूमिड है। और भाई लोग जो ना मशरूम की तरह हैं, एकदम भरे हुए। आज संडे है, रीजन भी है लोगों को एंजॉय करने का स्विमिंग पूल में। सनसेट कभी प्यारी हो रही है। चला जाए, कैब आने वाला है, आपको टाइम लगेगा क्या? चलिए फिर गाइस, कैब आ गई हमारी। हेलो मस रवि कुमार, लेट्स गो। तो गाइस, आज हम लोग जो जा रहे हैं वो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने ही सजेस्ट किया था, एक्चुअली सारिका के सब्सक्राइबर ने। सनसेट व्यू अच्छी होती वहाँ की, और रात में आई होप कि सनसेट से पहले बहुत अच्छा, सनसेट से ज्यादा नाइट व्यू शायद अच्छी होती है। जो भी ड्रोन लेना था ना, फिर तो आपने लीड से बोला, पर कोई नहीं, चलो वहाँ पर नेक्स्ट टाइम चलेंगे। यस, वेदर एज यूजुअल देखो कितनी अच्छी है यहाँ पे, हवा चल रही थी बाहर, हां ह्यूमिड तो नहीं होगी, ह्यूमिड तो थोड़ी है, बट हमें मॉल में जाना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गाइस को दिखाना चाहूँगा, मैंने नया हेयर स्टाइल किया, काफ़ी अच्छा है, बट ये पीछे जो बंधा होगा ये क्लिप खुल गया, तो बताओ मेरे व्यूअर्स को बताओ। हाँ क्या, मेरे से बात करो। और क्या तुम बात क्या देख रहे हो? एक्चुअली क्लिप जो है ना वो खुलने के लिए नहीं बना होता है, वो बनने के लिए बने होते। काफ़ी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। मेरी भी तारीफ कोई कर देता तो अच्छा ही होता। प्यारी लग रही है। पूरा एरिया है जहाँ पे एक्चुअली हम रहते हैं, वो वाली जो है ये वाली है, आप देख रहे हो स्टार्टिंग के वीडियोस में आपने देखी होगी, और वो पुलमैन है जहाँ पे हम स्टार्टिंग में आगे जिस होटल में रह रहे थे, और ये सारा मॉल है, यहाँ पे 2-3 मॉल एक साथ में है। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी सोसाइटी, दैट इज़ तमन नागरिक। एंड सोचो जस्ट यहीं आसपास में इतना बड़ा सा एरिया है, ये रहा सेंट्रल पार्क, आपको दिख रहा होगा, इसलिए मोस्टली हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं कहीं जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं जो हमारे यूज़ के हैं। बाकी कल को जाके हम न्यू ब्रांड्स एक्सप्लोर करें, नए जगह पर जाएँ, वो डिफरेंट थिंग है, और जो जो जनरली जो बेसिक नीड वाली चीज़ होती है वो हमें यहीं मिल जाती है, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। और पीछे से सनलाइट आ रही है क्योंकि सनसेट टाइम, उसकी वजह से हमारी वीडियो और अच्छी आ रही होगी। एग्जैक्ट अभी आई है, देखो यहाँ से आ रही है क्या, आ रही है, अच्छी लग रही है। हमारा सोसाइटी आ गया है, बात करते करते हैं दिन, हम बस उस साइड से इस साइड आए हैं, लाइक ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए होंगे, और ये बस स्टैंड है और ये बस आ गई है। अब यहाँ पे लोग बैठ जाएंगे बसेस में, ट्रांस जकार्ता करके ये ब्रांड चलती है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइस, जकार्ता का बेस्ट पार्ट है कि मोस्टली एरिया आप जो घूमोगे सारे ग्रीन मिलेंगे, इतने सारे ट्रीज, क्लीन अच्छा लगता है वो देख के। सो गाइस, हम लोग पहुँच गए SCPD एरिया में, काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं इस साइड में, और सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, और तुम सनसेट के साथ तुम भी प्यारे लग रहे हो, रिफ्लेक्शन हो रही तुम्हारे इस पर। इसी के पीछे आस्था मॉल है कहीं पे, क्योंकि उसकी जो फोटो ली जाती है ना उसमें ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स दिखते हैं। आई थिंक गाइस हम लोग अपने डेस्टिनेशन के आसपास ही हैं, काफ़ी अंदर जाके गए, एंट्री के बाद ही घूमे जा रहे हैं।
किसने भी कसम खाया कि हमें एंट्री पे ही छोड़ के आएगा। अच्छी बात है, यहाँ के लोगों की ये डेडिकेशन मुझे बहुत पसंद है। अब लग रहा है कि मैं मॉल के पास पहुँच गया, कुछ दिख रहा है। थैंक यू। आने के साथ एंट्री। अरे गाइज ये तो मैंने आपको दिखाया नहीं, हमारे इंडिया की रॉयल इनफील्ड यहाँ भी कर रही है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं रॉयल इनफील्ड यहाँ पे, क्लासिक 350। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ जिसने जाने के लिए लोगों ने बोला होगा क्या। हाँ उसी पे सेम 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 वहीं पे जाने के लिए बोला होगा। ये देखो यहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ से फोटो वीडियो लोग बनवाते हैं। आई थिंक काफ़ी प्रीमियम क्लासी लग रहा है। यहाँ पे है एंट्री इसकी, सारा आपको घुमाएगी यहाँ के मॉल में, आस्था मॉल विद सारा। थैंक यू मैस। ये इंडिया का वो होता ना मॉल, तो सबसे पहले बोलता कैमरा बंद कीजिए। बस मुझे सुनना, मैं आपको सारी अच्छी चीज़ दिखाऊंगी। पहले देखो ये, बस बंद करो, यहाँ पे लगता है गाइस मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच जिसने भी हमें सजेस्ट किया यहाँ आने के लिए। हाँ जाना है क्या? ओके, सारा आपको दिखाने के बजाय लग गई शॉपिंग में। काफी डिफरेंट था है सही में, काफी स्टाइलिश है। मुझे अपनी टाइप का टॉप मिल गया है। हमारी ओटीटी भी देखना है। मैं आगे होंगी जी, थोड़ी थोड़ी अंदर के आउटलुक भी दिखाने जरूरी है। मुझे इस चीज मॉल की सबसे अच्छी बात लग रही है, काफी स्पेसियस है चीजें यहाँ पे। एग्जीबिशन के लिए ये चीजें लगी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, पर इसको टच नहीं करना है। हाँ वो सही में ऐसा नहीं है, इस पे बैठे जीरा वाले पे। गाइस ऐसे एरियाज को देख के लग रहा है ना, गर्मी में जब आम खाने जाते थे ना तो ऐसे ही घर से आम के पेड़ दिखते थे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ लग रहा है। ट्रॉपिकल सा एनवायरनमेंट बना है, सब ग्रीन ग्रीन इधर देखो आप वो कॉर्नर। बैंक है ये। मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है यहाँ के क्या, काफ़ी स्पेसियस और खुला खुला है, सब क्राउड भी नहीं है और स्पेसियस है काफ़ी। फिर गाइस को बताओ कि तुम्हें बाहर निकलने का आइडिया कैसा लगा? अच्छा रिफ्रेशिंग लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे है क्या नहीं है, अगर इसमें तुम्हें दिख रहा है तो ठीक है। ओके इस पे क्या क्या है? ओके इसमें बड़े एस्थेटिक एस्थेटिक है यहाँ पे, सारे कैफे में बैठे हैं एंजॉय कर रहे हैं। ओके बट मेरे जो पति देव हैं गाइस उनको एसी चाहिए, उनको आउटडोर सेटिंग। नहीं नहीं ऐसे जगह पे मैं एडजस्ट कर लूँगा। बट पहले मैं देख रही थी वहाँ, मैं क्या करूँगा, तुम जाओ देखो, मैं वहाँ बैठता हूँ, वहाँ से व्यू लेता हूँ, मज़े आएंगे। तुम लॉन्जरे देख आओ। ओके पर यहाँ तो गुटुर गुट कर रहे हैं, मैं क्या करूँ वहाँ जाके? गाइस इनको डिस्टरबेंस तो नहीं होगी ना?